हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, शाम के बज गए 4। तो आज हम फिर से जाने वाले हैं राइड पे। तो आज लोग दोस्तों आप लोग डिसाइड करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे घोड़ी दो नहीं है, एक ब्लैक डायमंड और सारा यहाँ। तो अभी खाने का वक्त है दोस्तों, अभी खाना दिया जा रहा है रोहित। पहले सबको पानी चेक किया जा रहा है दोस्तों, पहले पानी पिलाएंगे उसके बाद खाना दिया जाएगा। पहले सबको पानी पिला के उसके बाद पानी निकाल के, जितना पानी ये लोग पिएंगे उतना पानी पिलाएंगे, उसके बाद जो पानी बचेंगे वो निकालेंगे रोहित। तो उसके बाद सूखा डाइट देखे सामने जा रहे हैं मारने के लिए, बाहर जा रहे हैं हमारा काटने के दौड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे काजल को, काजल भी एकदम शांति से खा रहा। तो दोस्तों आज मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा घोड़ा चलाओ कौन सा घोड़ा नहीं चाहिए। आप लोग भी डिसाइड करिए दोस्तों, ये आज काजल को ले जाओ या माँ बेटे को। तो फाइनली गाइस डिसाइड करिए। तो आज सोच रहे हैं कि हम काजल को लेके जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम काजल को लेके चलते हैं, पद्मावती को या काजल को। तो चलिए फाइनल गाइस लेके चलते हैं काजल को। काजल खा के रेडी है। काजल को काफ़ी दिन से हम राइड भी नहीं किए दोस्तों। पिछले वीडियो में हम आप देख सकते थे हम अपने पद्मावती को किए। अब रोहित जा रहा दोस्तों लगाम लगाने के लिए। पहले इसको रेडी किया जाएगा एकदम, तो मस्त खा पी के फुल रेडी। जैसे पिछले वाला वीडियो में देखे थे पद्मा और हम चेतक को लेके गए थे बाहर घुमाने के लिए। तो आज हम अपने जा रहे काजल के साथ घूमने के लिए। ये खा के फुल मस्त है। अब रोहित लगाम लगा चुके हैं, अब बाहर निकालेंगे, उसके बाद फुल तैयार करके हम इसके बाद निकलेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहे दोस्तों, वीडियो का मजा लेते रहे। और बताइए कौन सा वीडियो आप लोग अच्छा लगा, कौन सा पार्ट। फुल वीडियो में कम से कम कमेंट किया करें दोस्तों, खाली ना छोड़े। तो देख सकते दोस्तों हमारा काजल आ चुकी है, अब काजल को लगा। आप हमारे रोहित रेडी कर रहे हैं हमारे काजल को, क्योंकि आज मूड बहुत अच्छा फ्रेश है दोस्तों। हमारे साथ अक्षरिया भी अभी जाने के लिए मार कर रहे थे पद्मावती का, तो इसे कुछ काम आ गया अक्ष को, वो नहीं जा रहे। तो फाइनली मैं आप अकेला जा रहा हूँ, हम अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि देखते हैं किस तरह आज मज़ा आता है दोस्तों, किस तरह ये चलती है। काफ़ी दिन के बाद लेके जा रहे हैं दोस्तों, काफ़ी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम काफ़ी दिन के बाद चला रहे हैं। काफ़ी सुकून आने वाला है काजल के साथ, देख सकते हैं। फाइनली गाइस फुल सेटअप हो चुका है, पता काजल आगे बढ़ा रही, रुक जाओ, शाबाश शाबाश। देखिए काजल मेरी फुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम चले अपने वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा मज़ेदार आने वाले हैं। तो बाकी घोड़े नहीं है, मैं बाकी घोड़े से ही मिलाऊंगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं, तो हम निकल चुके हैं अपने घर से। मैं अभी धीरे धीरे निकल रहा हूँ और काफ़ी अच्छी चल रही हमारे काजल, देख सकते हैं एकदम क्या मगन से चल रही। काफ़ी दिन के बाद निकले हुए दोस्तों, मौसम भी एकदम सुहाना सुहाना। ये रहा फिर से टर्न, ये मेरे घर की गली है जो हम हमेशा बाहर निकलते हैं, आते जाते रहते हैं। ये रहा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों, बहुत मज़ेदार आने वाला, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम रोड पे आ चुके हैं, घर से बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। ये रहा, एक हैंड से संभाल रहे दोस्तों, संभाल लिए नहीं लिए, फिर भी काफ़ी अच्छे चल रही है। देख सकते हैं हमारे काजल की रेवाल चल काफ़ी अच्छे चल रहे हैं रोड पे। किस तरह ये आवाज़, अब साउंड आप सुन दोस्तों, ये टर्न नहीं, हम इसका साउंड सुनाने की कोशिश करें दोस्तों। उसके पैर की साउंड सुनो, कितना मस्त है और कितनी मिठास है। जब ये चलती तो पूरे रोड खाली हो जाते हैं। ओह तो दोस्तों अभी हमारे पैर फंस गए थे हमारे घोड़े का, थोड़ा देख रहे सूरज ढल रहे हैं और मेरे को काजल। अब इसकी तारीफ करें दोस्तों रेवाल चाल की, काफ़ी सुंदर ये रेवाल चाल चलती है और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। भैंस भाग गई दोस्तों, देख सकते हैं कि भैंस भी भागने लगी इसके चाल से। तो इसकी पैर की जो आहट है दोस्तों काफ़ी दूर दूर तक जाती है। फाइनली 10वीं कॉलेज के फील्ड आए हैं रेंजो।
कि किस तरह ये हमारा वाओ एक सब्सक्राइबर मिले दोस्तों जो काजल के नाम से थे बहुत ज्यादा जाने। अच्छा लगा कि काजल भी बहुत ज्यादा था ना थोड़ी ये रहा टर्निंग पॉइंट। थोड़ा टर्निंग पॉइंट में होता है क्या दोस्तों, थोड़ा सा अपने घोड़े को आराम से टर्न करा सकते, एक बैक नहीं करा सकते। ये खास ध्यान आप लोग रखा करिए और अपने घोड़े को टर्निंग कराइए। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, तो काफ़ी क्राउड के कारण आपको आराम से चलाना होगा और फुल सेफ्टी के साथ, क्योंकि देख रहे हैं रोड पे काफ़ी भीड़ है। भीड़ के कारण आप अच्छे से चला नहीं सकते और चलाने में काफ़ी दिक्कत होगा। अब देख सकते हैं फिर से टर्न आया, फिर रोके हल्के से टर्न लेके फिर से चले। देख रहे इस तरह के मुश्किल होते हैं। और टेनवी कॉलेज के सामने टाइम में एकदम ग्राउंड में काफ़ी भीड़ रहता है, जो हजार स्टूडेंट आते हैं खेलने के लिए। काफ़ी फेमस कॉलेज है दोस्तों भागलपुर का, तो उसी फील्ड में हम भी चला रहे हैं दोस्तों अपनी राइड कर रहे हैं। तो सावधानी ये रखना होता है दोस्तों कि इसमें भीड़ होता है, भीड़ के कारण आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होते हैं। फिर से देख रहे हैं और आप लोग के लिए इतना करना हमारे बहुत फर्ज है, तो हम कर सकते हैं, अपने फर्ज को निभा सकते। पहले भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम एकदम शांत शांत। ये रहा आपका टेनवी कॉलेज का मेन डिपार्टमेंट। ये दोस्तों टेनवी कॉलेज, तो चलिए दोस्तों मैं आपको और इस तरह टेनवी कॉलेज का गार्डन मैं हम जो है दोस्तों टेनवी कॉलेज का चारों पल्टी घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं काफ़ी। अभी हम कुछ चोट लगते लगते दोस्तों भी हम बचे हैं, काफ़ी हैवी चोट लगने वाला था। फिर से टर्न आ गया, देख रहे हैं इस तरह रोके फिर से। ये रहे फिर से चले, थोड़ा डाउन है दोस्तों नीचे है, थोड़ा सा आराम से धीरे 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 हमें उतरना होगा। देख सकते हैं ये टेनवी कॉलेज का पीछे वाला हिस्सा है जो पहाड़ है, देख सकते हैं पहाड़, इसके पीछे से हम लोग निकलते हैं, हम निकल रहे हैं। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम काफ़ी देर से टेनवी कॉलेज का ये स्टेडियम है। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम काफ़ी देर से अपना राइड कर रहे हैं और काफ़ी देर से कर रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों घर की ओर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अंधेरा हो रहा है दोस्तों, तो हम लोग चारों पट्टी घूम लिए हैं, तो आप चल रहे हैं हम घर की ओर। देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है दोस्तों हमारे यहाँ ग्राउंड पे और रोड पे, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है चलाने में। तो इस कारण हम अपने जितना भी सावधानी की वजह से हम चलाएँ, जितना हमको सावधानी रखना था उतना हम सावधानी रख के खुद चलाएँ। देख सकते हैं अभी सामने से बॉल गिर गया जो घोड़े को चोट भी लग सकता था। तो अब हम मिलते हैं आपको दोस्तों घर की ओर जा रहे हैं, आपको मिल रहे हैं घर पे। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हम घर पहुंच गए और काफ़ी अंधेरा हो गया, देख रहे हैं कितने अंधेरे हो चुके हैं दोस्तों। तो हम लोग काफ़ी देर से अपना जो है राइड कर रहे थे काजल के साथ, और काजल भी काफ़ी थक गई दोस्तों, काफ़ी पसीना से लथपथ हो गए देख रहे हैं। तो अब इसे हम खोलने वाले हैं और खाना देने वाले। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।